आज हम लोग टाइम एंड वर्क, समय एवं कार्य का बेसिक कंसेप्ट को जानेंगे। तो देखिए यहां पर क्या है, एक आदमी द्वारा किसी काम को करने में लगने वाला समय कितना दिन है, एक्स दिन है। दूसरे आदमी द्वारा काम को करने में लगने वाला समय कितना दिन है, वाई दिन है। तो प्रथम व्यक्ति का एक दिन का काम हो जाएगा एक बट्टा एक्स, और दूसरे व्यक्ति का एक दिन का काम हो जाएगा एक बट्टा वाई। अगर ये दोनों मिल जाएगा तो इन दोनों का एक दिन का काम कितना हो जाएगा, एक बट्टा एक्स प्लस एक बटा वाई। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो हो जाएगा x प्लस वाई और x गुना वाई। यानी कि अगर दोनों मिल जाए तो एक दिन में कितना काम करेगा, x प्लस x अपॉन एक्स वाई। तो दोनों द्वारा पूरे काम को करने में कितना समय लगेगा, तो जस्ट इसको हम लोग क्या करेंगे, उल्टा कर देंगे। तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर, एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई। तो आप लोगों को याद रखना है कि अगर कोई व्यक्ति एक काम को x दिन में करता है और दूसरा व्यक्ति y दिन में करता है तो दोनों मिलकर उस काम को करने में कितना समय लगाएंगे, तो आपका आंसर हो जाएगा एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई। इस फॉर्मूला का यूज करके हम लोग क्वेश्चन को बना सकते हैं। यहां एग्जांपल में देखिए, a किसी कार्य को करने में कितना दिन लगाता है, 10 दिन लगाता है, ठीक है। तो हम x का मान को वैल्यू क्या मान लेंगे, 10 दिन मान लेंगे। और b जो उस काम को करने में कितना दिन लगाता है, 15 दिन। तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा, 15 दिन। अब दोनों मिलकर के काम को कितने दिन में पूरा करेगा, तो फॉर्मूला हमारा है एक्स वाई और एक्स प्लस वाई। दोनों को अगर हम लोग हमारा हो जाएगा 10 गुना 15 और नीचे में 10 प्लस 15। तो यहाँ पे 10 गुना 15 को रहने दीजिए और 10 प्लस 15 को हम लोग कितना लिख देंगे, 25 लिख देंगे। तो 5 के टेबल में 5 बार में 25 और ये 3 बार में 15 और 5 से ये 2 बार में 10 कट जाएगा। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 2 गुना 3 यानी कि 6 दिन, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 12 में है। ठीक, एक और दूसरे तरीके का क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अब यहां देखिए क्या कह रहा है, ए तथा बी मिलकर किसी काम को, यहां पर मिल करके दिया हुआ है, ए और बी जो है वो मिलकर के काम को 15 दिन में करते हैं जबकि बी अकेला जो है वो 20 दिन में काम करता है। तो ऐसा क्वेश्चन जब भी आपको एग्जाम में दिया रहे कि दोनों मिलकर के काम कर रहा है और एक सिंगल आदमी का काम दे दिया है तो दूसरे का काम आपको बताना है, तो सिंपली क्या करना, इन दोनों को गुणा कर दीजिए, 20 गुना 15 और नीचे में इन दोनों का अंतर। तो 20 और 15 का अंतर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो इसको काटेंगे तो 5 चौके 20 हो जाएगा और 4 को गुणा करेंगे हम लोग 15 से, तो 15 चौके कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तो हमारा 60 दिन ऑप्शन नंबर आ सही हो जाएगा।